गुड मॉर्निंग बेटा स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है बेटा अपना, वो टॉपिक क्या है? डायमेंशंस। ठीक है, डायमेंशंस का मतलब क्या होता है? ठीक है, और ये क्या चीज है, एक बार डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखो बेटा, सिंपल से अगर हम बात करते हैं तो जितनी भी फिजिकल डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज है, क्या है? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो जितनी भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज है, हम उनको फंडामेंटल बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म में क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो यहां पे लिख लेंगे ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सेवन ऑल द, यानी को डिराइव, ऑल द डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सेवन फंडामेंटल, रिप्रेजेंटेड बाय या रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ भी लिख सकते हैं, रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज की टर्म में हम उनको लिख सकते हैं। ठीक है, तो डायमेंशंस होते क्या हैं? डायमेंशंस का मतलब क्या होता है? तो बेटा डायमेंशंस एक बार डेफिनेशन लिख लेते हैं। डायमेंशंस आर द पावर या ऐसे बोल सकते हैं दैट मस्ट बी रेज्ड, पावर ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, टू रिप्रेजेंट ए क्वांटिटी, किसी फिजिकल क्वांटिटी की पावर, ठीक है, किसी दूसरी क्वांटिटी या फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, तो डायमेंशंस आर द पावर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी टू रिप्रेजेंट ए क्वांटिटी। देखो कैसे बता सकते हैं, उदाहरण के लिए एग्जांपल की बात कर लेते हैं बेटा। जैसे हमारे पास मान लो स्पीड है, क्या है? स्पीड है। ठीक है बेटा, स्पीड है, तो स्पीड को हम कुछ भी मान लो, या ये लिख लिया मैंने, क्या था? ऑल द फिजिकल क्वांटिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड, मतलब ऑल डिराइव फिजिकल क्वांटिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। तो फंडामेंटल क्वांटिटी कौन कौन सी होती है? मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, लुमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इन जैसा, ठीक है, ये होती है। तो देखो बेटा, ये अपने पास क्या है? सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज है, और सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज की टर्म में हम जितनी भी डिराइव्ड है ना, सबको रिप्रेजेंट करेंगे, बट उनकी क्या होनी चाहिए? पावर आनी चाहिए। जैसे मान लो स्पीड है, स्पीड को हम मास लिख लिया ए पावर, एल है उसकी बी पावर, टाइम है उसकी सी पावर, तो डायमेंशंस क्या हो गए? ए बी सी आर डायमेंशंस। क्या है? डायमेंशन से, ये स्पीड मत मान लो इसको, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी मान लो, क्या मान लो इसको? फिजिकल क्वांटिटी है, तो एबीसी आर द डायमेंशन। ठीक है, एबीसी बेटा क्या हो गया अपने पास? डायमेंशन हो गए। ठीक है, तो इसका मतलब इस फिजिकल क्वांटिटी में, ये पावर का मतलब क्या है? ये जो है हमारे पास रिप्रेजेंट किया होगा, इसका मतलब क्या है कि इस फिजिकल क्वांटिटी के अंदर जो मास है वो ए बार आ रहा है, लेंथ है वो बी बार आ रही है, और टाइम है वो सी बार आ रही है। सी बार का मतलब क्या है कि भाई मास मान लो ए का वैल्यू दो होता, बी का वैल्यू तीन होता और सी का वैल्यू एक होता, तो इसका मतलब क्या है कि इस फिजिकल क्वांटिटी के अंदर मास है वो दो बार आ रहा है, ठीक है, लेंथ है वो तीन बार आ रही है और टाइम है वो एक बार आ रहा है। तो पावर का मतलब क्या हो गया कि किसी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के अंदर जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है वो कितनी कितनी बार आ रही है। ठीक है, दोबारा से सुनो, डायमेंशंस का मतलब क्या है कि किसी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के अंदर, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के अंदर जो
फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं वो कितनी कितनी बार आ रही है, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, डायमेंशन हो गए, क्या हो गए, डायमेंशन। ओके, तो यहाँ पे आप सिंपली अगर इसको लिखना चाहो अच्छे ढंग से तो ऐसे लिख सकते हो कि मान लो कोई फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, ये क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, और इस फिजिकल क्वांटिटी को हम मास के टर्म में लिखना चाहें, किसके टर्म में लिखना चाहें, मास की, तो मास की पावर एक्स है, लेंथ की पावर, लेंथ की पावर वाई है, ठीक है, और टाइम की पावर जेड है। तो डायमेंशंस क्या हो गए यहाँ पे, डायमेंशंस, डायमेंशंस कौन से हमारे पास, एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई जेड क्या है, डायमेंशंस है, एक्स वाई जेड क्या हमारे पास, डायमेंशंस है, ठीक है। उसके बाद बेटा अगला जो टॉपिक है अपने पास, अगला क्या है, डायमेंशन फॉर्मूला, अगला क्या है, डायमेंशन फॉर्मूला। डायमेंशन फॉर्मूला का मतलब क्या होता है, एक बार बता देते हैं आप लोगों को, ठीक है, डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। देखो जी भाजी डायमेंशन, डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशन फॉर्मूला, ठीक है। डायमेंशन फॉर्मूला का मतलब क्या है, ठीक है, तो डायमेंशन फॉर्मूला का मतलब है कि एक एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन विच शोस दैट हाउ ए the how and which physical, how and which physical quantity, how and which physical quantity represent, how and which physical quantity represent that derived फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। मतलब क्या कह रहा है कि वो एक्सप्रेशन जो ये बताए, ठीक है, वो एक्सप्रेशन जो ये बताए कि भाई जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी जिसका डायमेंशन फॉर्मूला हम निकालने जा रहे हैं उसको कैसे और कौन सी फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट करेगी, कैसे और कौन सी फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट करेगी, वो क्या कहलाएगा, डायमेंशन फॉर्मूला कहलाएगा, क्या कहलाएगा, डायमेंशन फॉर्मूला, ठीक है। जैसे बात कर लेते हैं बेटा, लेट सबसे सिंपल होता है वेलोसिटी का ही होता है, किसका होता है, वेलोसिटी का, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, देखो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है अपने पास एम जीरो एल टी माइनस वन, ठीक है, ये डायमेंशन फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये कैसे आया मैं आगे चल के बताऊंगा आप लोगों को, फिलहाल देखो कि ये डायमेंशन फॉर्मूला, ये क्या है, डायमेंशन फॉर्मूला है। तो डायमेंशन फॉर्मूला में मास है वो जीरो बार, जीरो बार का मतलब वेलोसिटी के अंदर मास एक बार भी नहीं आया, वेलोसिटी के अंदर मास एक बार भी नहीं आया, लेंथ के अंदर मतलब इसके अंदर डायमेंशन फॉर्मूला क्या बता रहा है, लेंथ है वो एक बार आई है, और टाइम है वो माइनस एक बार आ रहा है, टाइम कितनी बार आ रहा है, माइनस एक बार। तो ये बेटा क्या हो गया हमारे पास, डायमेंशन फॉर्मूला हो गया, और ये क्या हो गया, डायमेंशन इक्वेशन हो गई, डायमेंशनल इक्वेशन। अकेला हो तो हम क्या बोलेंगे, डायमेंशन फॉर्मूला, दोबारा से सुनो, अगर ये अकेला हो तो इसको क्या बोलेंगे, डायमेंशन फॉर्मूला, और दोनों को अगर इक्वेट करके लिख दे तो फिर क्या हो जाएगी, डायमेंशनल इक्वेशन हो जाएगी। तो डायमेंशनल इक्वेशन यही पे बताया जाता है, डायमेंशनल इक्वेशन, ठीक है। डायमेंशनल इक्वेशन क्या होती है, व्हेन ए फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी is equated by its dimensional formula, dimensional formula, ठीक है, it becomes it, yeah, it then it is called, then it is called, इसको हम क्या कहेंगे, डायमेंशनल इक्वेशन कहेंगे, क्या कहेंगे, डायमेंशनल, डायमेंशनल
इक्वेशन। एक एग्जांपल और कर लेते हैं, जैसे फोर्स है, फोर्स का क्या होता है एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू। बेटा ये ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट जरूर लगाना होता है, ठीक है, अदरवाइज डायमेंशन फॉर्मूला गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, डायमेंशन फॉर्मूला। ये डायमेंशन फॉर्मूला अकेला डायमेंशन फॉर्मूला है, किसका है, फोर्स का। दोनों को इक्वेट करके रख दिया तो ये पूरा बन गया डायमेंशनल इक्वेशन। क्या बन गया, डायमेंशनल इक्वेशन बन गया अपने पास, ठीक है, दिस इज डायमेंशनल इक्वेशन। नाउ अब हम सीखते हैं कि डायमेंशन फॉर्मूला कैसे डिराइव करते हैं, डायमेंशन फॉर्मूला कैसे डिराइव करते हैं, ठीक है, हाउ डायमेंशन फॉर्मूला इज डिराइव, हाउ डायमेंशन फॉर्मूला इज डिराइव। ओके, लेट्स सी। तो देखो, डायमेंशन फॉर्मूला डिराइव करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूं कि अगर किसी फॉर्मूला के अंदर, ठीक है, अगर मास आ रहा है, मास आ रहा है तो उसको एम लिखेंगे, लेंथ आ रही है, ठीक है, तो एल लिखेंगे, टाइम आ रहा है तो टी लिखेंगे, और टेम्परेचर आ रहा है तो के लिखेंगे, ठीक है। बाकी ये तो अपने काम के नहीं है, इतने 11th 12th में इतने यूज नहीं होते हैं, सिर्फ यूज क्या होते हैं, मास, लेंथ, टाइम और टेम्परेचर भी कभी कभी होता है, ठीक है, बाकी तीन तो यही है मेन जो बार बार यूज। तो मास को एम लिखेंगे, लेंथ को एल, और टाइम को टी लिखेंगे। तो देखो डिराइव कैसे करते हैं, डायमेंशन फॉर्मूला डिराइव करने का मेथड, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल किसका है, हाउ डायमेंशनल फॉर्मूला इज डिराइव, हाउ डायमेंशनल फॉर्मूला इज डिराइव। देखो बहुत ही आसान सा है, कोई खास नहीं है, बहुत ही आसान सा है। कैसे करना है, जैसे मैंने आपको स्पीड का एग्जांपल दिया था बेटा, स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल के बताओ, डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल के बताओ। तो क्या करेंगे, देखो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है किसका, स्पीड का। तो स्पीड का फॉर्मूला होता है, इसको क्या लिख लेंगे, डिस्टेंस को, देखो डिस्टेंस, डिस्टेंस मींस लेंथ, डिस्टेंस मींस लेंथ, हो गया, लेंथ को हमने एल लिख दिया ऊपर, डिस्टेंस को क्या लिख दिया एल, नीचे क्या है टाइम, नीचे क्या है टाइम, टाइम को हम किससे लिखते हैं, टी से, तो नीचे टी। अब इसको कैसे कर लेंगे, एल टी माइनस वन, देखो टी ऊपर चला जाएगा ना, तो एल टी माइनस वन, ये किसका फॉर्मूला आ गया, स्पीड का आ गया, किसका आ गया, स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला। तो याद रखना स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, एल टी माइनस वन, स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, एल टी माइनस वन, ठीक है। सिमिलरली हम और कर लेते हैं, एक्सेलरेशन का निकाल लेते हैं, ठीक है, एक्सेलरेशन का, स्पीड और वेलोसिटी का सेम होता है, मैं बता देता हूँ, ये स्पीड और वेलोसिटी का क्या होता है, सेम होता है, एक्सेलरेशन का निकालते हैं, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। अपने को देखो डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए उसका जो बेसिक फॉर्मूला है वो अपने को याद होना चाहिए, अदरवाइज डायमेंशनल फॉर्मूला डिराइव नहीं कर पाएंगे। तो बेटा डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए एक्सेलरेशन इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी का हम टाइम निकाल चुके हैं, वेलोसिटी का क्या है, एल टी माइनस वन, ये किसका है, ये किसका डायमेंशन फॉर्मूला, वेलोसिटी का, किसका है, वेलोसिटी का, टाइम का टी हो जाएगा, नीचे लिख दिया हमने, देखो अब देखो यहां टी को ऊपर लेके जाएंगे तो एल तो सिंगल है, एल वन हो जाएगा, टी टी कितना है, देखो माइनस वन ऊपर है और टी एक ऊपर जाएगा, तो टी की पावर कितनी यहां पे, वन है, तो वन ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा, माइनस टू, तो एल टी माइनस टू हो जाएगा, ठीक है, आ गया समझ में। ओके, और एग्जांपल करते हैं, फोर्स का कर लेते हैं, किसका, फोर्स, फोर्स को फॉर्मूला एफ इज इक्वल टू क्या होता है, एमवी, 9th क्लास में पढ़ा आप लोगों ने अच्छे से, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन, पूरा लिख देते हैं इसको ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है, बहुत ही आसान है। मास को मैंने किससे लिखना बताया, मास को मैंने एम से लिखना बताया, एम कैपिटल एम, ठीक है, एक्सेलरेशन का हम निकाले अभी अभी कितना है, एल टी माइनस टू, तो बेटा फोर्स का जो फॉर्मूला आ गया कितना आ गया, एम एल टी माइनस टू आ जाएगा, कितना आ जाएगा, एम एल टी माइनस टू आ गया, दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर व्हाट, फोर्स, ये किसका फॉर्मूला है, फोर्स के लिए, ठीक है, तो आपको ये याद रखने, और एग्जांपल करने हैं बेटा, ये फेर नोट बुक में अपने साथ साथ उतारते रहना, ठीक है, ओके ओके, उसके बाद और एग्जाम्पल करते हैं, चलो वर्क का कर लेते हैं, वर्क आप लोगों ने सुना होगा, वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट,
फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का तो देखो अभी अभी डिराइव किया कितना आया, एम एल MLT minus 2, this is the formula for what? Force का। Acceleration का कितना आया? Sorry, displacement का क्या होता है? Displacement मैं बता चुका हूँ, displacement distance होती है, distance मतलब length, तो L हो जाएगा, ठीक है, तो कितना आएगा? M, M की power कितनी है? यहाँ पे 1 है, तो M 1 हो जाएगा, L की power देखो 1 यहाँ है, multiplying अगर power add होती है ना, power क्या हो जाती है? Add हो जाती है, तो L की पावर 1 यहाँ है, 1 यहाँ है, तो L की पावर 2 हो गई और T की पावर माइनस 2 हो जाएगी, तो ML2 डायमेंशन फॉर्मूला क्या आया वर्क का, W इज इक्वल टू ML2T minus 2, दिस इज द फॉर्मूला फॉर वर्क, ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर वर्क वर्क के लिए, ठीक है। और एग्जांपल करते हैं, ठीक है, और मान लो लीनियर मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम, ठीक है, लीनियर मोमेंटम को बेटा पी से रिप्रेजेंट करते हैं, 9th क्लास में आपने पढ़ा भी है और नहीं भी पढ़ा तो मैं बता चुका हूँ, बता देता हूँ, लीनियर मोमेंटम होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, मास का फॉर्मूला हम पहले बता चुके हैं, मास बराबर एम होता है, मास को हम डायमेंशन के क्रम में लिखना हो तो मास को एम लिखेंगे, और वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला हम पहले डिराइव किया कितना है, एल टी माइनस वन, तो कितना आ जाएगा मोमेंटम का फॉर्मूला, मोमेंटम का एल टी माइनस वन आ जाएगा, कितना आ जाएगा एल टी माइनस वन आ जाएगा, ठीक है, दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला बेसिक्स है। और कर लेते हैं एक बार एग्जांपल बेटा, एक बार एग्जांपल देखते हैं एक बार कुछ एक, तो और एग्जांपल अपने पास दिए हुए हैं, मान लो डेंसिटी है, क्या है डेंसिटी, आप लोगों ने पढ़ा है डेंसिटी का भी अच्छे से, ठीक है, डेंसिटी का क्या होता है, डेंसिटी का होता है डिस्टेंस मीन्स लेंथ क्यूब, यही होता है ना, डेंसिटी का होता है, सॉरी डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी का होता है मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास का क्या हो जाएगा एम, और वॉल्यूम क्या होता है एल क्यूब, ठीक है, वॉल्यूम का क्या हो जाएगा एल क्यूब, तो कितना आ जाएगा एम एल ऊपर जाएगा एल माइनस थ्री, कितना हो जाएगा एम एल माइनस थ्री, तो ये आ गया बेटा अपने पास डायमेंशन फॉर्मूला, ये क्या आ गया डायमेंशन फॉर्मूला, ठीक है बेटा। अच्छा एक बात और बता देता हूँ मैं आप लोगों को, ये सोल्व करने के लिए आपको घर के लिए काम दूंगा, ठीक है, तो अगर ये समझ में ना आए तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, आई विल मेक अगेन ए वीडियो न्यू ऑन दिस टॉपिक, ठीक है, ओके बेटा।